निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कह भेजा, तुम सामने के गांव में जाओ, उसमें पहुंचते ही तुम्हें एक गधी का बच्चा दिखेगा, इस पर रास्ता कोई चढ़ा ना हो उसे ले आओ, तुमसे कोई तो पूछे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, वैसे शीघ्र यहाँ भेज दे। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो, इस गधे के बच्चे को क्यों खोलते हो? दो चेलों में से एक ने कहा, जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर और उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते, होसन्ना होसन्ना। और जब वह यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है, ये गली के नासरत का रबी यीशु है। होसन्ना धन्य है वह, होसन्ना धन्य है वह, प्रभु के नाम से आता है, प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता